Hey, what's up guys? This is Jubin Bachuli. कैसे हो गाइज? साइबरपंक खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो? बड़े सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और खेल भी रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली ऑन कॉन्सोल्स, जो बेस कॉन्सोल्स हैं, PS4 है, एक्सबॉक्स है, जो वन है, उनमें लोगों को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। ऑनलाइन आपने देख ही लिए होंगे वो इश्यूज़। और हमारे एक विनर हैं जो सोनिक भाई साहब, जो लास्ट कॉन्टेस्ट के विनर हैं, उनको PS4 वर्जन ही मिलने वाला है, आज उनको डिलीवर हो जाएगा। और आई होप कि उनको एक डिसेंट सा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाए यार, अपडेट के बाद भी आई थिंक चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं उनके लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। PS4 के अलावा भी PCs पे बहुत लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि सबके पास हाई एंड PCs नहीं होते हैं गाइस, स्पेशली इन इंडिया RTX 3000 सीरीज़ अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं है। सो आज हम बात करने वाले हैं PC ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, इस गेम का PC ऑप्टिमाइजेशन, सारे ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे, टेक्निकली क्या चीज़ क्या काम कर रही है और कितना इम्पैक्ट कर रही है परफॉर्मेंस को, मैं आपको समझाऊंगा अगर आपको ऑप्शंस, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही वैरायटी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उनके मतलब अगर आपको नहीं पता तो आप जज नहीं कर सकते कि यार क्या चीज़ क्या कर रही है, कितना आपको सेट करना चाहिए, तो वो मैं आपको सब समझाऊंगा। टेक्निकली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो PC पर इसको एक ढंग की परफॉर्मेंस करने में। सो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग। सो ये गेम का इंटरफेस है, ऑफ कोर्स आपको पता लग गया होगा कि आपने गेम जब अगर परचेस कर लिया है तो, अगर नहीं देखा, परचेस नहीं किया है तो आप अगर वेट कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी थोड़े से इश्यूज़ हैं गेम के साथ, आप वेट कर लो। जिन्होंने परचेस कर लिया उनको पता ही होगा ये ग्राफिक्स टैब है, ये वीडियो टैब है। अब ये दो चीज़ें जिसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको गेम प्ले टैब में ले जाता हूँ, और गेम प्ले टैब में यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राउड डेंसिटी एंड स्लो हार्ड ड्राइव मोड, SSD मोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्राउड डेंसिटी आपकी क्राउड की डेंसिटी ऑफ कोर्स उसको इफेक्ट करेगी, और आई डोंट नो ये गेम प्ले में क्यों दे रखा है, इसको भी ग्राफिक्स ऑप्शंस को उधर ही देना चाहिए, बट ये अलग से ऑप्शन है और बड़े सारे लोगों से ये मिस हो जाते हैं। बट ये क्राउड की डेंसिटी को डिफाइन करेगा, और जितना ज़्यादा डेंस क्राउड होगा, मतलब अगर आप इसको हाई पे सेट करके रखेंगे तो ऑफ कोर्स आपका डेंस क्राउड होगा, बट वो आपके CPU पे बहुत भारी होगा, एंड CPU बॉटलनेक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि आपका ग्राफिक कार्ड पावरफुल हो बट आपके CPU में इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी कार्ड्स, वो इतना क्राउड को लोड कर पा रहा है, और उसके वजह से ग्राफिक्स में लैग आ सकता है बहुत। जिनके पास हाई एंड CPUs हैं, i9 या i7 हैं, जिनके पास लेटेस्ट जो गेमिंग CPUs हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इसको हाई सेट करने पर, तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा मीडियम या इनफैक्ट लो भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि यार इसको शुरू से लो करके रखो, बिकॉज इससे क्या NPC थोड़े कम रहेंगे, बट आपको शुरू से ही अगर आप लो करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना लो हुआ है। अगर आप कुछ टाइम तक खेल लोगे मीडियम या हाई पर और उसके बाद आप लो करोगे तो आपको सडनली थोड़ा सा क्राउड कम लगेगा और काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। एंड स्लो SSD मोड ये है इसलिए क्योंकि अगर आपके इस सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगी हुई है, स्लो RPM की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, SSD नहीं लगी हुई है, जो बेस PS4 में भी हो रहा है जो प्रॉब्लम, वो स्लो हार्ड ड्राइव भी है क्योंकि उसमें SSD नहीं है। इनफैक्ट अगर आप SSD लगा भी लेते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कंट्रोलर ओल्ड टाइप का कंट्रोलर है जो कि SSD का पूरा फ़ायदा उठा नहीं पाएगा। सो उसमें टेक्सचर पॉपिंग, टेक्सचर लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, ऑब्जेक्ट्स लोड होने में बहुत टाइम लगता है। सो इसमें अगर आपके सिस्टम में भी लो RPM की हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। मेरे सिस्टम में SSD लगी हुई है तो मुझे ऑप्शन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ गाइज अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन पे। मैं आज टारगेट कर रहा हूँ 1440p रेजोल्यूशन को, बिकॉज आजकल ये बेस एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन हो गया है, 1080p की जगह ले लिया अब इसने, क्योंकि ग्राफिक्स पावर अब इतनी ज़्यादा हो गई है ग्राफिक कार्ड की स्पेशली, कि जो इस रेजोल्यूशन को टारगेट कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स अगर आपको सारी सेटिंग करने के बाद भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप रेजोल्यूशन को डाउन कर सकते हो 1080p पे, बट बेस रेजोल्यूशन हमारा 1440p है आज। सबसे पहले हमारे पास बेसिक टैब है जिसमें हमारे पास बेसिक ऑप्शंस हैं ग्राफिक्स के, जैसे कि फील्ड ऑफ व्यू, फिल्म ग्रेन, क्रोमेटिक एब्रिवेशन, डेप्थ ऑफ फील्ड, लेंस फ्लेयर एंड मोशन ब्लर। अब ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, बेसिकली हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू ये है कि आपके कैमरे कितना वाइड दिखा रहा है आपको चीज़ें, अगर ये सपोज कर लो कि आपके कैमरे में कितना वाइड एंगल लेंस लगा हुआ है, जितना कम फील्ड ऑफ व्यू होगा उतना कम हमें
चीजें दिखाई देंगे, उतना नैरोअर स्पेस होगी हमारे आईज की। सो इसे सेफ साइड में 90 पे सेट करके रखता हूँ। इससे मुझे एक बैलेंस मिल जाता है कि भैया जितनी मुझे चीजें देखनी है, क्योंकि ज्यादा इसको नीचे करते हैं तो कई लोगों को मोशन सिकनेस हो जाती है, ठीक है। अगर हम ज्यादा इसको नीचे करके रखेंगे तो ऑफकोर्स फील्ड ऑफ व्यू बिल्कुल नैरो हो जाएगा और उससे हो सकता है आपको मोशन सिकनेस हो जाए, गेम से होती है कई लोगों को। बट मैं इसे 90 पे सेट करके रखता हूँ और ये आपके बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फील्ड ऑफ व्यू विजन चाहिए इसका। सो इसके बाद ये नेक्स्ट 3 ऑप्शन मैं डेफिनेटली ऑफ करके रखता हूँ। ये बेसिक के जो ऑप्शन है ना सारे, ये मोस्टली मैं ऑफ करके रखता हूँ। सिर्फ ये लेंस फ्लेयर को मैं फिर भी ऑन करके रख देता हूँ, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। इनसे विजुअल क्वालिटी, टेक्सचर्स या लुक पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे हिसाब से तो फिल्म ग्रेम, क्रोमेटिक एब्रिवेशन और डेप्थ ऑफ फील्ड सिनेमैटिक्स या मूवीज़ में अच्छी लगती हैं, गेम्स में मुझे इतना कुछ खास इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 ऑप्शन मैं डेफिनेटली ऑफ करके रखता हूँ। इनसे अननेसेसरी परफॉर्मेंस लॉस नहीं होगी और विजुअल क्वालिटी पे इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। एडवांस ऑप्शन में सबसे पहले कॉन्टेक्ट शेडो। कॉन्टेक्ट शेडोज हमें नाम से ही पता लग रहा है, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर होते हैं एक दूसरे के आसपास उसमें कॉन्टेक्ट शेडोज बन जाती हैं उनसे। कॉन्टेक्ट शेडोज एक ऐसी टेक्निक होती है, ऑफकोर्स ये एक फेक टेक्निक है, बट ये प्रॉक्सिमिटी लेती है दो चीज़ों की, दो ऑब्जेक्ट्स की। अगर वो क्लोजर होते हैं तो उनके बीच में शेडोज क्रिएट कर देती है आर्टिफिशियली। तो ये गेम की लुक को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर इससे आप ऑफ कर दोगे तो कॉन्टेक्ट शेडो अल्टीमेटली इग्नोर हो जाएंगी और उससे गेम की विजुअल क्वालिटी काफ़ी लॉस होगी। इससे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा हिट आता है, बट इतना ज़्यादा नहीं आता कि इसे ऑफ करना पड़े या ऑफ करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे विजुअल क्वालिटी में बहुत मेजर डिफरेंस आएगा, तो आपको इसे ऑन करना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव फेशियल लाइटिंग ज्योमेट्री। अब गाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इससे क्या है कि फेस की जो स्किन की क्वालिटी होती है और उनकी एनिमेशन होता है, फेस का जो एनिमेशन क्वालिटी है, ज्योमेट्री की क्वालिटी है और उसकी लाइटिंग प्लस जो स्किन की जो क्वालिटी है, टेक्सचर्स वगैरह, वो बहुत मेजरली इफेक्ट होता है। ये चीज़ जब काम में आती है, जब सिनेमैटिक्स चल रहे हों या कट सीन चल रहे हों या आप इन गेम में ही हों लेकिन बातचीत हो रही हो, उस टाइम पे ये एनिमेशन और लाइटिंग क्वालिटी बहुत मेजरली इससे इम्पैक्ट होती है, क्योंकि कुछ मेजर एक्शन नहीं हो रहा होता स्क्रीन पर, तो इतना आपको हिट नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, तो इसे भी ऑन करके रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी फिल्टरिंग बहुत बेसिक सा ऑप्शन है, सभी गेम्स में होता है और ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड एक मेथड है टेक्सचर्स को इम्प्रूव करने का। एंड गाइस आई वुड सजेस्ट कि इसको बिल्कुल हाई पे करके रखिए, 16 पे करके रखिए, कॉज अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत पुराना पीसी नहीं हो तो इससे परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एक बहुत ही ऑप्टिमाइज मेथड है। और बेसिकली ये करता क्या है, अगर हम किसी भी सरफेस को एक एंगल से देखें, मतलब डायरेक्टली सामने ना देखें किसी भी सरफेस को, किसी एंगल से देखें, जैसे कि हम रोड्स होती हैं उसको एंगल पे देखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ नहीं देखते हैं, तो रोड के टेक्सचर्स हमें दूर तक बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प दिखाई दें, उसके लिए ये ऑप्शन होता है। सो अनटिल अनलेस आपके पास कोई बहुत ही पुराना पीसी नहीं हो, इसे मैक्स करके रखो, परफॉर्मेंस पे कोई हिट नहीं आएगा और क्वालिटी टेक्सचर की दूर तक मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकल शेडो मैश क्वालिटी। अब ये जो मैं आगे बात करने वाला हूँ 3-4 ऑप्शन की, इनफैक्ट लोकल शेडो मैश क्वालिटी, लोकल शेडो क्वालिटी, कास्केड शेडो रेंज, कास्केड शेडो रेजोल्यूशन एंड डिस्टेंस शेडो रेजोल्यूशन। अब ये 4-5 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जितने भी शेडो के ऑप्शन होते हैं हर गेम में वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होते हैं ऑन परफॉर्मेंस एंड बोथ ऑन क्वालिटी। मतलब क्वालिटी भी डिफाइन करती है शेडोज़, क्योंकि शेडोज ऑफ कोर्स सीन की क्वालिटी और विजुअल क्वालिटी को डिफाइन करेगी और उसको परफॉर्मेंस भी हिट करेगी। सो हमें एक यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन विजुअल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल शेडो मैच क्वालिटी। अब ये करती क्या है, बेसिकली गेम में दो तरह की शेडोज होती हैं, या तो सनलाइट की शेडोज होती हैं, सन या मून की शेडोज होती हैं डे एंड नाइट साइकिल में, और एक होता है जो आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है, ठीक है, जो जैसे बल्ब्स हो गए, लाइट्स हो गई, डिफरेंट लाइट सोर्सेज होते हैं गेम्स में, उसकी लाइट्स होती हैं, उन लाइटिंग के थ्रू जो शेडो क्रिएट होती है वो है लोकल शेडो मैश क्वालिटी। अब यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आपको मीडियम के लिए, कॉज हाई करने पर इससे इम्पैक्ट आता है परफॉर्मेंस में, क्योंकि साइबरपंक में बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, नाइट सिटी, नाम ही नाइट सिटी है, तो बहुत सारी लाइटिंग है, बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हैं, तो उसकी वजह से ये शेडोज़ बहुत सारी बनती हैं और उसके वजह से हाई पे अगर आप सेट करके रखोगे तो काफ़ी परफॉर्मेंस हिट होता है उससे। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे मीडियम आपको सेट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकल शेडो क्वालिटी। अब यहाँ पर ये जो मैश क्वालिटी की एक्यूरेसी को डिफाइन कर रहा था, मतलब कितनी एक्यूरेट शेडोज़ क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पर ये उसका रेजोल्यूशन डिफाइन कर रहा है कि कितना हाई रेजोल्यूशन है उन शेडोज़ का, कितना एक्यूरेसी से बन रही हैं वो शेडोज़, कितनी ज़्यादा बन रही हैं और कितने
क्वालिटी की बन रही है, मतलब रेजोल्यूशन से बन रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये इसे आप लो सेट करके रखो, स्पेशली इन नाइट्स की, क्योंकि बहुत सारी लाइटिंग होती है उस टाइम पे और बहुत सारी शेडोज क्रिएट होंगी लोकली, तो उसकी वजह से बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा आपकी परफॉर्मेंस में, तो इसको लो सेट करके रखो, ठीक है गाइस। उसके बाद है कास्केड शेडो रेंज। कास्केड शेडो रेंज बेसिकली, अब यहाँ पे हमने अभी तक लोकल लाइट सोर्स की बात कर ली, ये है सनलाइट। अब ये सनलाइट से क्रिएटेड शेडोज़ हैं वो कितना दूर तक हमें बन रही हैं, ठीक है, उसकी रेंज को ये डिफाइन कर रही है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा मीडियम पे, क्योंकि ज़्यादा दूर इसको हाई पे सेट करके रखेंगे तो बहुत दूर तक शेडोज क्रिएट होंगे और वो भी आपके परफॉर्मेंस को हिट कर सकती हैं। आई थिंक जो मैंने टेस्टिंग किया उससे अप्रॉक्सीमेटली 4-5 फ्रेम्स का डिफरेंस आता है जब आप ऑन द मूव होते हो, जब आप एक्शन में होते हो, तो ज़्यादा दूर की शेडोज़ को क्रिएट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता, इतना पता भी नहीं चलता एक्शन के टाइम पे। तो इसे डेफिनेटली मीडियम पे सेट करके रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कास्केड शेडो रेजोल्यूशन। अब ये तो ऊपर वाला ऑप्शन उसकी रेंज को डिफाइन कर रहा था, ये शेडोज़ की रेजोल्यूशन को डिफाइन करेगा, सन के थ्रू जो शेडोज़ क्रिएट होंगे उनकी रेजोल्यूशन को डिफाइन करेगा, लेकिन प्लेयर के बिल्कुल पास की शेडोज़, दूर तक की शेडोज़ नहीं, उसके लिए डिस्टेंट शेडो रेजोल्यूशन है, लेकिन जो सन के थ्रू क्रिएट होंगी लेकिन प्लेयर के पास आसपास जो क्रिएट होंगी शेडोज़, उनके रेजोल्यूशन को ये डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे ये भी काफ़ी परफॉर्मेंस हिट कर सकता है ये ऑप्शन भी। ऑफकोर्स मैंने पहले ही बोला है कि शेडो के सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं सारे विजुअल क्वालिटी के लिए और परफॉर्मेंस को हिट भी करते हैं, सो यहाँ पे भी मैं इसको मीडियम पे सेट करके रखूँगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है डिस्टेंट शेडो रेजोल्यूशन, जिसको ऑफकोर्स मैंने लो पे सेट करके रखा है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको भी लो पे सेट करके रखा था। डिस्टेंस में शेडोज हाई रेजोल्यूशन पे क्रिएट हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इतना पता नहीं चलता, तो उसको आप डेफिनेटली लो पे कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली सेव लॉट ऑफ परफॉर्मेंस। ये तो कोई शेडो रेजोल्यूशन की बात, अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फॉग रेजोल्यूशन। अब वॉल्यूमेट्रिक फॉग रेजोल्यूशन, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, जो वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग होती है, वॉल्यूमेट्रिक जो धुआं होता है, फॉग होता है, उसके थ्रू जो लाइटिंग क्रिएट होती है, एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है, उसके रेजोल्यूशन को ये डिफाइन कर रहा है। अब ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल ऑप्शन है गाइस, सो इसे मैं मीडियम पे सेट करके रखूँगा। ऑफकोर्स हाई जाने पर आपको थोड़ा बहुत विजुअल क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, कि आप जैसे वॉल्यूमेट्रिक फॉग होगा कोई, तो उससे कोई लाइट की बीम आ रही है तो उसकी क्वालिटी, उसके कलर के ग्रेडियंट पे उससे डिफेक्ट, मतलब इम्पैक्ट आएगा, वॉल्यूम उतनी अच्छे लगेंगे, बट इससे परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको इसको मीडियम पे सेट करने पर, लो पे जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन का लॉस हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है, बट मीडियम आपको, अगर आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है तो हाई या मीडियम पे सेट करके रखिए इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड क्वालिटी। अब मैं सजेस्ट करूँगा इसे हाई पर, हाई और मीडियम में ज़्यादा परफॉर्मेंस का लॉस नहीं होता बट विजुअल क्वालिटी में थोड़ा लॉस आता है, तो मीडियम पे ना सेट करके इसे हाई पे सेट करके रखेंगे, परफॉर्मेंस का इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा बट विजुअल्स थोड़े से अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस मैक्स डायनेमिक डिकेल्स। अब गाइस फ्रैंकली मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मुझे, मैंने नेट पे भी सर्च किया, कुछ खास पता नहीं चल रहा है कि ये ऑप्शन क्या करता है, और मैंने इसे हाई मीडियम अल्ट्रा पे सेट करके रखा, तो विजुअल क्वालिटी है उस पर भी कुछ खास मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आया एक्चुअली करता क्या है। सो मैंने इसे मीडियम पे सेट करके रखा है, क्योंकि मीडियम और लो में परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा हिट नहीं आता, बट हाई और अल्ट्रा करने पर परफॉर्मेंस में काफ़ी हिट आता है, सो मैंने इसे मीडियम पे सेट करके रखा है, आप भी इसे मीडियम पे सेट कर सकते हैं। नाउ स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन क्वालिटी। अब ये बहुत मेजर ऑप्शन है गाइस, ये आपके गेम की लुक को ही चेंज कर देता है, अगर आप इसे टर्न ऑफ करके रखोगे या लो सेटिंग्स में चले जाओगे तो आपकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा ग्रेनी हो जाएगी, मतलब आपका जो रिफ्लेक्शंस होंगी वर्ल्ड में जितनी भी रिफ्लेक्शन, और साइबरपंक में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हाईटेक सिटी है हमारी। सो मैंने यहाँ पे साइको सेट कर रखी है, मेरा सिस्टम ये हैंडल कर रहा है गाइस, कि मेरा सिस्टम पे मैं इसको साइको पे सेट करके रख रहा हूँ, तो मुझे फिर भी एक स्मूथ FPS प्रोवाइड कर पा रहा है गेम मेरा सिस्टम। ऑफकोर्स आप इसे हाई या अल्ट्रा पे सेट करके देख सकते हैं, इवन आप इसे लो भी जा सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप मीडियम से लो जाएं, क्योंकि उस टाइम पे आपको रेजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ग्रेनी दिख जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ्लिकरिंग सा रेजोल्यूशन हो जाएगा उनका। अब अगर आपका सिस्टम बिल्कुल ही हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उस सिचुएशन में आप ऑफ ही कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टीड ऑफ प्लेइंग ऑन लो। अगर आपका सिस्टम हैंडल कर पा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि उसको हाई पे करके रखें, या अल्ट्रा या साइको, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के हिसाब से। नेक्स्ट है सब सरफेस स्कैटरिंग क्वालिटी। अब ये एक और चीज़ है जो कि आपके फेस की, स्किन की कलर्स और उसकी क्वालिटी को डिफाइन करेगा। आई वुड सजेस्ट हियर हाई और मीडियम, मतलब
लो करने से कोई खास आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा, तो आई वुड सजेस्ट हियर मीडियम या हाई, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्बिएंट अक्लूजन की। अब एम्बिएंट अक्लूजन हमने पहले भी कॉन्टेक्स्ट शेडोज की बात की थी, एम्बिएंट अक्लूजन भी वैसी ही टेक्निक है एक तरह से, और ये डिफाइन करता है शेडोज उन एरियाज में, उन ऑब्जेक्ट्स में जहां पर नॉर्मल जो शेडो मैप्स हैं जिन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डेवलपर्स शेडो मैप्स क्रिएट करके रखते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए, बेक करके रखते हैं, बट जो चीजें इग्नोर हो जाती है उन शेडो मैप से, वो ये एम्बिएंट अक्लूजन डिफाइन करता है। आप इसे मीडियम पे सेट करके रख सकते हैं, क्योंकि मीडियम एक विजुअल क्वालिटी का बैलेंस है, इससे नीचे जाने पर आपकी शेडोज थोड़ी सी ग्रेनी हो जाएंगी और मतलब परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं सजेस्ट करूँगा मीडियम या हाई। इसके बाद है कलर प्रिसीजन, और ये एक कलर्स को के ग्रेडियंट्स को डिफाइन करके रखता है कि बहुत अच्छे कलर ग्रेडियंट्स होंगे जो भी कलर्स हमें ओवरऑल गेम में दिखाई देते हैं, बैंडिंग के इश्यूज नहीं आते हैं बेसिकली। तो इसे हाई पे सेट करके रखिए, इससे परफॉर्मेंस में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता, इसे बिल्कुल हाई पे सेट करके रख सकते हैं आप। सेकेंड लास्ट ऑप्शन है मिरर क्वालिटी, एंड मिरर क्वालिटी बेसिकली जब भी आप मिरर पे अपने आप को देखते हो तो मिरर्स में जो रिफ्लेक्शंस हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी वो डिफाइन करता है बेसिकली, और आई थिंक ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऑप्शन नहीं है, तो इसे हाई या मीडियम पे सेट करके रखते थे बेझिझक। एंड लास्ट ऑप्शन इन एडवांस इज लेवल ऑफ डिटेल या LOD, एंड गाइज ये एक बहुत मेजर ऑप्शन है और इससे बहुत इम्पैक्टफुल आपकी परफॉर्मेंस को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली ये डिफाइन करता है आपके कैमरे से दूर तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाई रेजोल्यूशन पे क्रिएट होंगे और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसे डेफिनेटली आप लो पे सेट करके रख सकते हैं अगर आपका सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है परफॉर्मेंस को गेन करने में, FPS को मेंटेन करने में, FPS डाउन हो रहे हैं, तो इससे बहुत इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि दूर तक आपको हाई रेजोल्यूशन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऑफकोर्स अगर आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है तो आप मीडियम भी सेट करके रख सकते हैं, एक बैलेंस आ जाएगा बिटवीन विजुअल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। सो ये थे एडवांस ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं एंड काफ़ी सारे हमने बात कर लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं रे ट्रेसिंग के लिए एंड रेजोल्यूशन स्केलिंग के लिए, एंड गाइस आई वुड सजेस्ट कि रे ट्रेसिंग तो ऑफ ही कर दो इस गेम में, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है, इतनी ज़्यादा ज्योमेट्री है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग रिफ्लेक्शंस हैं कि आप रे ट्रेसिंग ऑन करोगे तो अनटिल अनलेस आपके पास RTX 3080 ही ना हो, अनटिल अनलेस आपके पास बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन CPU ना हो, अनटिल अनलेस आपके पास बिल्कुल हाई एंड गेमिंग सिस्टम ना हो, इस गेम में RTX को ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रे ट्रेसिंग को ऑन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो डेफिनेटली आपके जो FPS हैं 60 से 30 20 पे पहुंच जाओगे अगर आप रे ट्रेसिंग का एक भी ऑप्शन ऑन करते हो। कई सारे ऑप्शन हैं अगर हम ऑन करके देखते हैं तो रिफ्लेक्शन शेडोज एंड लाइटिंग, बट एक भी ऑप्शन इनमें ऑन करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप DLSS ऑन करके रखो या नहीं रखो, आपके गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल टैंक हो जाएगी, तो इसे डेफिनेटली ऑफ करके रखो गाइस। बट इन सारे ऑप्शंस को सेट करने के बाद और DLSS को बैलेंस पे करने के बाद मुझे 1440p रेजोल्यूशन पे एक डिसेंट 60fps लॉग प्रोवाइड हो रहा है। सो मेरे हिसाब से ये सारी सेटिंग्स ऑप्टिमाइज सेटिंग्स हैं, अगर आपको 1440p रेजोल्यूशन को हिट करना है और अगर आपको एक बैलेंस चाहिए विजुअल क्वालिटी में और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस में, तो ये एक बेसिकली ऑप्टिमाइज सेटिंग होंगी आपके लिए। अगर आपको इन सारे सेटिंग्स को करने के बाद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप रेजोल्यूशन को यहाँ पे लो कर सकते हो, इनफैक्ट आप कस्टम रेजोल्यूशंस को बना सकते हो, जैसे ये एक कस्टम रेजोल्यूशन बनाया हुआ है मैंने, 1920 के बीच में रेजोल्यूशंस हैं 1440p और 1920 के बीच में भी, और कस्टम रेजोल्यूशन के अगर आपके बारे में कस्टम रेजोल्यूशन कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारी एक बहुत ही पुरानी वीडियो है PC ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, इसमें डिटेल में बताया गया है कि आप कैसे अल्टीमेटली PC को बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने गेमिंग एनवायरनमेंट के लिए। सो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कस्टम रेजोल्यूशंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, मॉनिटर को कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें उसमें, यार तीन वीडियोस हैं, तीनों वीडियोस में बड़ा सारा हमने डिस्कस किया है कैसे आप बिल्कुल अल्टीमेटली ऑप्टिमाइज कर सकते हो PC को। सो गाइस हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, आई होप आपको ये हेल्प करेगी, मैंने टेक्निकली जितना हो सकता है ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है एंड आपको हेल्प करेंगी इस गेम को और अच्छे से इंजॉय करने में। गाइस हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए एंड हम ट्राई कर रहे हैं वीडियोस को और जल्दी से जल्दी बनाने का, हम अपना प्रोसेस भी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि ताकि हम आपको जल्दी जल्दी और ज़्यादा वीडियोस ला सकें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे, अगर आपको काम आए वीडियोस, तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, एंड हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को फॉलो करना ना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया है 2077 के बारे में, एंड अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड होपफुली आई एम
फीलिंग बेटर, जिनको मैं बता दूं पहले कि मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी बीच में एंड आई एम नाउ फीलिंग बेटर, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने वापस आ जाऊं कैमरे के सामने। एंड गाइस सपोर्ट करते रहना, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब दिस इज जुबिन पंचोली साइनिंग ऑफ।